बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनका नाम लेते ही शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है। भेदभाव, शोषण, छुआछूत और ऊंच नीच के खिलाफ विरोध करने की ताकत पैदा होने लगती है। समानता, बराबरी और इंसान की बेहतरी के लिए काम करने का हौसला मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर उनका नाम लेते ही कहां से इतनी ताकत आ जाती है? मन क्यों समाज और हाशिए पर खड़े इंसान के लिए बेचैन हो जाता है? आखिर क्यों हम अंबेडकर को मसीहा कहते हैं? क्यों हम उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महार जाति में पैदा हुए, जिसका उन्हें दंश झेलना पड़ा, लेकिन बाबा साहब ने भी फैसला किया कि वो इस जातिवाद को खत्म करके ही मानेंगे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जातिवाद को खत्म करने में लगा दी। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। पिता ब्रिटिश हुकूमत में नौकरी करते थे, इसलिए अंबेडकर स्कूल जा सके। ये वो समय था जब जातिवादी व्यवस्था के तहत किसी अछूत को स्कूल तक जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन अंबेडकर सिर्फ स्कूल ही नहीं गए, अपने मेहनत और आत्मबल से उन्होंने वो डिग्रियां हासिल की जो उन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की कतार में आगे खड़ा करता है। उस दौर के हमने कई नायकों की जीवनियां पढ़ी हैं या हमें बताई गई हैं। उन सब जीवनियों में उन नायकों के छात्र जीवन पर बहुत जोर दिया गया है कि कैसे वो मेधावी थे और पढ़ाई को लेकर कभी खंभे के नीचे बैठ जाते थे तो कभी कैम्ब्रिज तक चले गए। वो होंगे भी मेधावी, मैं वो नहीं कह रहा कि वो मेधावी नहीं होंगे, लेकिन कभी किसी ने अंबेडकर के छात्र जीवन को प्राथमिकता नहीं दी। मुझे लगता है कि एक समाज को अंबेडकर के छात्र जीवन से ज़्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए। वो इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत तकलीफ़ में पढ़ाई की। मुझे जब मैं कोलंबिया की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि अपने पूरे समाज से, वो तब वो एक लड़का थे, वो लड़का आया होगा यहाँ पर पढ़ने के लिए, है ना, छात्र हमारे आपके जैसा, तो वो अपने तकलीफों के बारे में सोच रहा था या तरह तरह के विषयों, अपनी जिज्ञासाओं के बारे में सोच रहा था। बाबा साहब का बचपन भेदभाव और अभाव में गुजरा था, लेकिन उन्होंने कठोर मेहनत से इसे मौका में बदल दिया। वो अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक रूप से सफल हो चुके थे, लेकिन यहीं से शुरू होती है अंबेडकर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बनने की कहानी। अंबेडकर ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर ऐसे ऐसे काम किए जिस वजह से वो तारीख ही उनके नाम से इतिहास में दर्ज हो गई। वहाँ जब जब जो किताब रखी हुई है उनकी प्रतिमा के बगल में, लाइब्रेरी के बगल में, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि अंबेडकर बहुत ही जिज्ञासु छात्र थे और वो कई तरह के विषयों और उस समय के दुनिया भर के जो मशहूर बौद्धिक लोग थे उन सब के साथ उनका रिश्ता था। वो रिश्ता क्या यूं ही हो गया होगा कि कोई एक छात्र है, ज़रूर अपनी जिज्ञासा को लेकर जाते होंगे, कुछ पढ़ के जाते होंगे, उनकी किताबें पढ़ के जाते होंगे, ज़रूर उन प्रोफेसरों को ये छात्र अपनी जिज्ञासा से हैरान करता होगा कि क्या चीज़ है ये, अपनी पढ़ाई को लेकर, जानने को लेकर, और कैसे उनकी जब जो लंदन वाली पढ़ाई अधूरी रह जाती है तो उसको पूरा करने के लिए, उस अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए वो कितना प्रयास करते हैं। तो ये इस पहलू पर लोगों ने कम चर्चा की है। मुझे लगता है कि अब थोड़ा थोड़ा लोगों का ध्यान जाने लगा है, पर अंबेडकर एक नौजवान लड़के के रूप में अंबेडकर का सही तरीके से चित्रण अभी नहीं किया गया है। वो सबके लिए ज़रूरी है, वो नहीं कि सिर्फ जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं उनके लिए, बल्कि वो सब ऐसे छात्र जिनके पास जिज्ञासाएँ हैं और साधन नहीं है, वो किसकी तरफ देख सकते हैं, वो उन्हें अंबेडकर की तरफ देखना चाहिए। तो पता चलेगा कि जेब में अठन्नी नहीं है, लेकिन वो कोलंबिया से भी पढ़ा है और लंदन से भी पढ़ के आ गए, और उन्होंने जर्मन भाषा सीखने के लिए भी, वो जर्मनी भी जा रहे थे लेकिन लौट आए किसी और वजह से। अंबेडकर को बचपन में क्लासरूम के बाहर बैठना पड़ता था, वो अपनी मर्जी से पानी तक नहीं पी सकते थे, कई बार तो स्कूल में उन्हें प्यासा रह जाना पड़ता था। इसके बाद उनका परिवार मुंबई चला गया। अंबेडकर हाई स्कूल तक पहुंचने वाले अपने समाज के पहले छात्र थे, जहां उन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया। आप कल्पना कीजिए किस तरह के हालात रहे होंगे। उस समय भी और आज भी जो छुआछूत का एक दिमाग में बना हुआ है, तो जिस जाति में वे पैदा हुए थे
उस जाति के बच्चे उन दिनों स्कूलों में दाखिल नहीं किए जाते थे, और अगर वो दाखिल हो भी गए तो उन्हें अलग बैठने के लिए कहा जाता था। वही उनके साथ भी हुआ। अंबेडकर अब जान चुके थे कि शिक्षा ही उनके जीवन को सफल बना सकती है, जिसके बाद उन्होंने 1913 से लेकर 1923 तक एक के बाद एक कई डिग्रियां हासिल की। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून में उच्च शिक्षा हासिल की। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के बाद दुनिया को करीब से जानने लगे थे, लेकिन जैसे ही भारत आते छुआछूत का भूत उनके सामने खड़ा हो जाता। नौकरी से लेकर हर काम में उन्हें जातिवाद झेलना पड़ा। अब उन्होंने सामाजिक बदलाव का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। बड़ौदा में जब वो अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए थे, तब लोग उनके हाथ में फाइल नहीं पकड़ाते थे, फाइलें फेंक कर दी जाती थी उनके सामने। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि, लेकिन इसके बीच में भी अम्बेडकर के छात्र जीवन को देखिए ना, वो आइस स्केटिंग करते थे, है कि नहीं? तो मुझे तो समझ में नहीं आती है कि जो आदमी एक ऐसे भयानक शून्य में पैदा हुआ है, वो अपने जीवन को किन किन चीजों से भर रहा है, और वो अपने लिए नहीं भर रहा है। वो बिल्कुल ही अपने लिए नहीं भर रहा है कि मैं यहाँ अमेरिका आया हूँ तो अपने लिए जी रहा हूँ, बल्कि तमाम देशों में तमाम भाषाओं को जानने की प्रक्रिया में एक ऐसे समाज के लिए वो जीने लगा वो आदमी, कि जो आने वाले समय में शायद, इसलिए एक बहुत सारा उदाहरण उनके द्वारा बनता चला जा रहा है कि जब वो वंचित समाज एक दिन देखेगा तो वो यकीन नहीं कर पाएगा कि इस प्रवृत्ति का 20वीं सदी के उस हिस्से में एक ऐसा भी छात्र जीवन, एक छात्र है जिसके पास कुछ भी नहीं है, है ना, ना समाज है, ना पहचान है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उस शून्य से निकलकर वो हासिल करता है। मुझे लगता है कि उसका चित्रण किया जाना चाहिए, करना चाहिए लोगों को, ताकि वो पता चले कि अंबेडकर होने का मतलब क्या होता है, मतलब वो सिर्फ मूर्ति नहीं है और तस्वीर नहीं है। अंबेडकर अब पूरी तरह से जाति प्रथा और छुआछूत के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। 1925 में साइमन कमीशन को उन्होंने जातीय सुधार के लिए अपने सुझाव दिए। 1927 में पानी के लिए संघर्ष किया। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया। उन्होंने मंदिर में जाने के लिए आंदोलन चलाया। जो उनके साथ हुआ था वही दूसरों के साथ ना हो, इसके लिए उन्होंने एक समाज सुधार का आंदोलन चलाया। और बात यह है कि उस समय जैसे मान लीजिए गांवों में कुएं भी बटे हुए थे, यानी ये कुएं, इस कुएं पर तो उस जाति के लोग ही पानी भर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, और सभी, यानी कोई भी कुआं केवल एक जाति के लिए सुनिश्चित न किया जाए। उसी तरह से मंदिर का जो सवाल था वो भी था, छुआछूत का था। अंबेडकर ने पूना पैक्ट के तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग रखी। अंग्रेज इस पर सहमत थे, लेकिन गांधी इसके विरोध में खड़े हो गए। गांधी की जान मुसीबत में फंसी हुई थी, अंबेडकर पर दबाव पड़ा, और गांधी की जान बचाने के लिए बाबा साहब को समझौता करना पड़ा। इसके बाद अंबेडकर ने गांधी की जान बचाने के लिए आरक्षण पर सहमति जताते हुए अलग निर्वाचन की मांग वापस ले ली। अंबेडकर को अपना ये फैसला हमेशा खलता रहा। उन्हें लगता था कि शोषित समाज के लिए पृथक निर्वाचन बहुत जरूरी था। आमरण अनशन पर जाने के बाद 20वें या 21वें दिन पूरे देश में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि गांधी को बचाया जाए। तो राजा, उसमें बड़े बड़े लोगों ने अपनी भूमिका अदा की है। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, घनश्याम दास बिरला के निवास पर मुंबई में एक बैठक हुई, और उस बैठक में राजा भी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे। उस बैठक में ये बात भीमराव अंबेडकर को
गुजारिश की लोगों ने कि आप पुणे चले। पुणे आगा खां के महल में वो बातचीत हुई। बातचीत में जो समझौता हुआ उसे हम पुणे पैक्ट के तौर पर जानते हैं। तो अंग्रेजों की जो चाल थी उसको कहना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब अंबेडकर अगर न चाहते तो वो सफल हो जाते। इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। 1947 में देश आजाद हो चुका था, लेकिन शोषित समाज के हालात जस के तस बने हुए थे। अंबेडकर को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। बाबा साहब की अथक मेहनत का नतीजा था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया। अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री बनाए गए, लेकिन महिलाओं के हितों की वकालत करने वाली हिंदू कोर्ट बिल को रोके जाने के खिलाफ 1951 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये हिस्टोरिकल ऐतिहासिक तथ्य हैं कि उनके साथ हुआ है, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूं कि अंबेडकर की जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति संविधान बना रहा होता तो क्या वो इसकी कल्पना करता कि जो भी बने सबके लिए बने और जो भी मिले सबके लिए मिले, सबको मिले, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे सामाजिक और राजनीतिक अनुभव में उस वक्त तक जब वो देश का कानून मंत्री है तब तक वो हाशिए पर रखा जा रहा है, तब तक वो एक सर्व समाज का स्वीकृत नेता नहीं है एक तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी वो सबके बारे में सोच रहा है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा है। तो ये और हिंदू कोर्ट बिल का उदाहरण है अब, लेकिन चूंकि उसका राजनीतिक रूप से दूसरे प्रसंगों में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन देखा जाना चाहिए कि विरोध करने वाले किस सोच के थे। वो जो सोच है जो इस्तेमाल करना चाहती है अम्बेडकर का, उस सोच के लोग तो जो सत्तारूढ़ पार्टी आज भी लोग हैं, आज उनकी अपनी पार्टी है, आज वो अलग अलग पार्टियों में उस तरह से वही सोच है, तो वो एक सोच के लोग विरोध कर रहे थे अंबेडकर का, और वही सोच अब उस अंबेडकर को फिर से एक हथियाने का प्रयास कर रही है, अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास कर रही है। आजादी के बाद जाति आधारित शोषण के खिलाफ उन्होंने फिर लड़ाई शुरू की। बाबा साहब ने दर्जनों किताबों और अखबारों के जरिए शोषण के हथियार हिंदू धर्म पर हमला बोल दिया। इसी बीच अब वो बड़ा फैसला कर चुके थे। उन्होंने तय किया कि हिंदू धर्म में जन्म लेना उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू बनकर वो मरेंगे नहीं। Though I was born a Hindu, I solemnly assure you that I will not die as a Hindu. 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने 5,00,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। देखिए वो उस हालात में एक बड़ी बगावत थी, है ना, कि एक समय में जब आप धर्म के भीतर की जो बुराइयां होती हैं, दुनिया के तमाम धर्मों में वो बुराइयां हैं, दुनिया के तमाम धर्मों में अच्छाइयां भी हैं, उसका हेजमनी ऐसा कायम हो जाता है, उसका वर्चस्व ऐसा बनता है कि कोई उसके विरोध में जाके नहीं बोलता है, उससे नहीं लड़ता है। अंबेडकर ने साफ साफ बताया कि हमारी जो समस्या है, हमारे होने की जो चुनौती है, वो इन्हीं धर्म की बनाई हुई व्यवहारिक या लिखित मान्यताओं से है, उसे लेकर वो कंफ्यूज नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक समानांतर रेखा खींचने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म को अपनाने का यही था कि बौद्ध धर्म ने भी, वो भी एक बगावत है, तो एक 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 प्रचलित मान्यता और धर्म से बगावत करने के बाद ही बौद्ध धर्म का पूरा इतिहास है, उस बगावत से उसका इतिहास है। लेकिन आप देखेंगे कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को चुना, हिंदू धर्म को नहीं चुना, और वो उसकी राजनीति से साफ साफ अवगत थे। उन्होंने कहा ही था, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रवाद के खतरे बताए थे, जिस तरह से उन्होंने नायक पूजा के खतरे बताए थे, आप सब जानते हैं जो अंबेडकर को पढ़ते हैं, जो जानते हैं, उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर जो राजनीतिक दर्शन है, हिंदुत्व जिसे कहते हैं, उसे भी खतरनाक कहा है उन्होंने। तो एक समय में जब उनके पास अपनी सोच बनाने के लिए कहीं कोई उदाहरण नहीं है, तो वो अपनी सोच बना रहे हैं, अपनी राजनीतिक दर्शन, अपना राजनीतिक दर्शन तय कर रहे हैं। पता चलता है कि ये एक स्वतंत्र व्यक्ति का ही ये काम हो सकता है। वो व्यक्ति अपने सोचने में, अपने लिखने बोलने में जितना स्वतंत्र होगा, वही नए रूपक को गढ़ता है। तो अंबेडकर ने एक बहुत बड़ा रूपक गढ़ दिया था उस बगावत का। वो दुनिया के इतिहास में लोग नास्तिक हुए थे, है ना, लेकिन किसी धर्म को चुनौती देने की इतनी बड़ी घटना मेरी अपनी सीमित जानकारी में तो नजर नहीं आती।
ये वो बातें हैं जो हम सब करीब करीब जानते हैं। लेकिन बाबा साहब का योगदान सिर्फ इतना भर ही नहीं था, वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। वो भारत को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत देश बनते देखना चाहते थे। बाबा साहब ने लैंड रिफॉर्म के साथ साथ इंडस्ट्री स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने बिजली उत्पादन के लिए पन बिजली परियोजनाओं का खाका खींचा। टैक्स को उन्होंने तर्कसंगत बनाते हुए गरीबों को उससे मुक्ति दिलाई। यही नहीं, ईमानदारी से नौकरी मिल सके इसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक की स्थापना का कॉन्सेप्ट भी बाबा साहब अम्बेडकर का ही था। अगर उनको आजादी के बाद पहले भारत सरकार बनी, जो पहले आम चुनाव के बाद, उसमें अगर उनको कोई मंत्रालय, आर्थिक मंत्रालय दिया जाता तो उनके जो विचार थे उसको लागू करने और करके दिखाने में उनको सहूलियत होती, सुविधा होती। वो अवसर उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने अपनी जो पार्टी बनाई, उस पार्टी को भी सत्ता में रहने का कोई अवसर नहीं मिला और 56 में चले गए। तो उन्होंने राजनीतिक चेतना के लिए जो काम किया, लोगों की के दुख दर्द को बांटने का जो काम किया, अधिकारों की जो लड़ाई लड़ी, उसके लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर जाने जाते हैं। लेकिन राजनीतिक सुधार, आर्थिक परिवर्तन और विकास के जो उनके सपने थे उसको लागू करने के लिए उन्हें समय नहीं मिला। समय मिलता तो मैं ये मानता हूँ कि देश बहुत पहले विकास की रफ्तार में, या कहना चाहिए कि विकसित देशों की कतार में भारत खड़ा हो सकता। अम्बेडकर इस पूरी लड़ाई में समाज को तो सब कुछ दिलाने में कामयाब रहे, लेकिन निजी तौर पर वो अपना सब कुछ खोते चले गए। रमाबाई, जो 9 साल की उम्र में पत्नी बनकर अम्बेडकर की जिंदगी में आई थी, वह भी 1935 में उन्हें छोड़कर चल बसी। डॉक्टर अम्बेडकर के 4 बच्चे बिना दवा के मर गए, लेकिन फिर भी कभी उनको इस बात का रंज नहीं रहा। लोगों के दबाव और डॉक्टर की सलाह पर 15 अप्रैल 1948 को उन्होंने दूसरी शादी शारदा कबीर से की, जो बाद में सविता अम्बेडकर कहलाई। लेकिन बाबा साहब का बीमारी की वजह से स्वास्थ्य गिरता चला गया और 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से आज भारत में करोड़ों लोगों का जीवन सुधर रहा है। वो आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। वहीं पूरी दुनिया उन्हें समानता, बराबरी और लोकतंत्र के दूत के रूप में याद करती है। कैमरामैन इमरान अली बेग के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।